खबर आजमगढ़ जिले के सगड़ी से है। यहाँ सगड़ी क्षेत्र के दवारा इलाके में सरयू नदी के बढ़ाव का क्रम शनिवार को कुछ थमा। हालांकि अभी सरयू नदी खतरा बिंदु से 182 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दाम महुला के पास रिंग बांध कटने के बाद सैकड़ों परिवार का पलायन हो चुका है। दो गांव फिलहाल जलमग्न हैं। ग्रामीणों परेशान होकर महुला गढ़वल बांध और राहत शिविर में पशुओं को डाल रखे हैं। शुक्रवार की रात को आजमगढ़ के DM विशाल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि बांधों में जो रिसाव हुआ था उसको बंद किया गया है। 1500 लोग राहत शिविर में हैं, सबके भोजन का उचित प्रबंध किया गया है। वहीं NDRF की टीम भी पहुंच गई है। बांध के रिसाव के विषय पर सिंचाई विभाग की लापरवाही की जाँच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को दिन में आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर मनीष चौहान व DIG अखिलेश कुमार भी देवारा इलाके में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान राहत शिविरों पर बाढ़ चौकियों पर की गई व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया और दिशा निर्देश दिया। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना, उनके समाधान पर चर्चा की। कमिश्नर ने कहा कि लगभग 67 गाँव प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों के यहाँ नाव लगाई गई है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। DIG ने कहा कि जहाँ जहाँ विस्थापन केंद्र स्थापित किए गए हैं वहाँ पर पुलिस की पिकेट लगाई गई है। इसके अलावा NDRF व पुलिस PSC के जवान प्रभावित लोगों की मदद के लिए देखिए यहाँ पर जो बाढ़ है लगभग अभी जो सरयू है खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है और लगभग 67 गांव प्रभावित है और कुछ गांव ऐसे हैं जो कि जिनमें आबादी है और कुछ तरह से गिर गए हैं। प्रशासन ने नावे लगा रखी है, जो राहत चौकी है वो सक्रिय है, सभी विभाग है वो अपना कार्य कर रहे हैं। वो चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, उन्होंने अपने चारे की और पशुओं के टीके की व्यवस्था की है और सभी अधिकारी फील्ड में हैं और ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। पर्याप्त संख्या में नावें लगाई गई है और जो आपदा राहत की टीम है वो भी आ गई है, तो वो भी लोगों को बचाने में और लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने में लगी हुई है। हम लोग लगातार उस पर नज़र लगाए हुए हैं और हमारा प्रयास है कि लोगों की जो समस्या है उनको कम से कम समस्या हो, उनको राहत सामग्री मिले, उनको खाना मिले और किसी भी प्रकार से कोई जनहानि सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ इनके रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वहाँ हमने पुलिस पिकेट लगाए हैं। जहाँ महिला संख्या ज़्यादा वहाँ महिला पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी नियुक्त किया गया है और जो हमारे जवान गाँवों में और गाँव में भी जो के लोग आ रहे हैं और रात सर NDRF भी लगाई गई है। NDRF के अलावा भी हमारे जो जवान आने को वो भी गांव में चौकी कर रहे हैं और रात में कुछ। अब जो यहां का जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है और जितने भी जगहों पर प्रातःकाल से लेकर बांध में कुछ समस्या आ रही थी वो दिन भर के प्रयास के बाद उनको बंद कर दिया गया है और लगभग 1500 व्यक्ति अपने घरों से बाहर हैं और उनको जो हमारे राहत शिविर हैं उन पर उनको रखा गया है, उनके भोजन इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अच्छा सर, ये जो बंधों पे रिसाव हो रहा है और ये एक हफ्ते से लगातार ये महसूस होता है कि रिसाव होगा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं बाढ़ खंड के लोगों की लापरवाही से दिखाई दे रही है, इसकी अलग से इसमें जांच कर ली जाएगी। पर इस बार जो हमारा जलस्तर है वह हाई फ्लड लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। ये अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा इस वक्त ऊँची हमारा जलस्तर है और बाढ़ भी है, तो उसके दृष्टिगत हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं वह संतोषजनक हैं और अभी हम लोगों ने NDRF का भी अनुरोध किया है। अगले 2-3 घंटे में NDRF की भी टीम आ जाएगी, उनके भी सहयोग से जहाँ भी अन्य और आवश्यकताएं हैं उनको भी हम लोग पूरी करेंगे।